हाँ तो दोस्त, शादी की जो अंगूठी होती है ना, हमारे उल्टे हाथ की तीसरी अंगली में क्यों पहनाई जाती है? और यदि प्लेन एरिया हो, मतलब सपाट धरती हो, वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूरी तक देख सकते हैं अंधेरे में? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को और अधिक जानने के लिए देखते रहिए इस पूरे वीडियो को। फैक्ट नंबर 5, जब कई लोग इकट्ठा होकर, जैसे कि अपने स्कूल कॉलेज वगैरह में अपन ग्रुप में बातें करते हैं, तो वहाँ पर कभी ना कभी आपने या आपका किसी ने मजाक उड़ाया होगा। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब कई लोग इकट्ठा होकर किसी का मजाक उड़ाते हैं, तो वहाँ आदमी जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, वहाँ ज़्यादातर उसी इंसान की तरफ देखता है जिसे वहाँ अपने दिल के सबसे करीब मानता है। ये बात तो आपने ज़रूर नोटिस की होगी, गारंटेड। फैक्ट नंबर 4, ज़्यादातर लोग रात के समय ज़्यादा भावुक होकर अपने दिल का हाल बताते हैं, लेकिन SMS के जरिए। ये बात भी आपने नोटिस की होगी, नहीं की है तो करना। फैक्ट नंबर 3, कोई भी इंसान आंखें खोलकर नहीं चीख सकता। यस, गारंटी है यार इस बात की भी, अगर आप ट्राई कर लो, यकीन नहीं होता। तो मतलब बात ये है कि ये सब नेचुरली होता है, मतलब अपने आप ही आंखें बंद हो जाती है, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। और हाँ, आपको पता होगा कि हवा का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए ट्राई ना करें, आंखें भी हिट कर बाहर आ सकती हैं, गारंटी नहीं है। फैक्ट नंबर 2, यदि सपाट धरती जहाँ पर पूरा अंधेरा हो, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 48 किलोमीटर दूर से भी मोमबत्ती की लौ को देख सकते हैं। जी हाँ, 48 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है ना, ये सब तो कुदरती है यार। फैक्ट नंबर 1, शादी की अंगूठी हमारे उल्टे हाथ की तीसरी उंगली में ही पहनाई जाती है। इसका कारण, क्योंकि ये अकेली एक ऐसी उंगली है जिसकी नस सीधे दिल से जुड़ी हुई होती है। जी हाँ, बाकी सभी फिंगर्स की, हाँ इनडायरेक्टली तो होती है, पर डायरेक्टली जो ये फिंगर होती है ना, इसकी डायरेक्टली होती है। इसलिए ये बात आपने शायद ही कभी नोटिस की हो, बट आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए मैंने ये आपको बता दिया। इसी प्रकार के और ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।